ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार योजनाबद्ध रूप से प्रदेश को जरूरत के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित करे। हमारा प्रयास है कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की अधिकाधिक आबादी का जल्द से जल्द टीकाकरण हो। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान कोविड 19 वैक्सीनेशन प्रबंध में शुरुआत से ही अग्रणी रहा है। बुधवार को सीएम निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में वैक्सीनेशन को अभियान के रूप में लेते हुए लोगों को पहली डोज लगाई गई। इन लोगों को दूसरी डोज भी समय पर लग सके, इसके लिए वैक्सीन की समुचित उपलब्धता जरूरी है। सीएम गहलोत ने कहा कि जुलाई महीने में प्रदेश में करीब 75 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जानी है, लेकिन राजस्थान को जुलाई के पहले पखवाड़े में केवल 65 लाख 20 डोज ही आवंटित की जा रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान में वैक्सीनेशन की गति के अनुरूप ही वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित करे, ताकि लोगों को दूसरी डोज समय पर लगाई जा सके। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश में जुलाई माह में वैक्सीन के आवंटन में 75% हिस्सा सरकारी चिकित्सालयों तथा 25% हिस्सा निजी अस्पतालों के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि प्रदेश में अब तक हुए वैक्सीनेशन में निजी अस्पतालों की भागीदारी केवल 2% रही है। ऐसे में वैक्सीन के आवंटन के दिशा निर्देशों में बदलाव की जरूरत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि दुनिया के कई देशों और देश के कई राज्यों में तीसरी लहर के मामले सामने आने लगे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए तेजी से वैक्सीनेशन होना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना वैक्सीनेशन के तीसरी लहर को नहीं रोका जा सकता। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने बताया है कि प्रदेश को जितनी मात्रा में वैक्सीन आवंटित हो रही है, उसका लगभग 100% डोज लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर राजस्थान को टीकाकरण के काम में अव्वल स्थान पर लाने में सफल होंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान वायरस के डेल्टा म्यूटेंट के घातक प्रसार के बाद अब देश के कुछ हिस्सों से डेल्टा प्लस म्यूटेंट का संक्रमण बढ़ने की सूचनाएं आ रही है। इस चिंताजनक स्थिति के प्रति शुरुआत से ही सतर्क रहना होगा और इससे निपटने के लिए आवश्यक तैयारी अभी से ही सुनिश्चित करनी होगी। वहीं डीसी से जुड़े चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोविड 19 संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर सजग है। प्रदेश के अस्पतालों में निरंतर चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा है कि गांवों में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ी है, लोग आगे आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।